कैसे हो भाई जान? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह दा। तुसी सुनाओ भाई जान, ए मजा तुहाड़ियां ने? हां जी, ए मेरीयां ही ने और नवाज शरीफ दियां। अमल में तेरे बाप को मत। इनको आप भैंसों को मारते हो इससे के उनको इशारा करते हो? नहीं, उन दियां मैं शेपां करना इना। मैं नहीं मानता जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के फजल व करम से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन क्लिक करता है कि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक बरवक पहुंच सके। तो आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल स्टोरी चेक कराने वाला हूं, क्योंकि आज मैं अपने शहर ऐसे शहर में मौजूद हूं और मेरे जिसमें मैं आपको थोड़ा सा व्यूज भी चेक करवाऊंगा। जी मैं ना इस जगह मौजूद हूँ जहां पर हीर रांझा रहते थे और उनकी जो लव स्टोरी थी, तो उसके बारे में मैं आपको उस जगह पर लेके चलता हूँ और आपको उस जगह का विजिट भी करवाता हूँ। तो अगर वहां पर मैं एक मेरे पास एक शख्स भी मौजूद हैं जो उस बारे में जानते भी हैं कि ये हीर राजा कौन थे और क्या करते थे, इनका कौन सा डेरा था, क्या क्या चीज थी। तो चले मैं आपको उस शख्स से मिलाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हो भाई जान? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। जी भाई जान, आप ये जगह हीर राजा वाली है? जी है। फिर जो जो हीर रांझे जो कढ दिता सी पिंडों, वो मसला जिहा बन गया उन्हां दा, कोई उन्दे वास्ते कढ दिता, तो वो उन्हां दा मुर्शिद खाना भी नाल है, मैं तुहानू भी खाना। अच्छा, ये हीर रांझे की कितनी पुरानी स्टोरी है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यार मेनू लगता है कि जिवें कोई बाबे आदम दे दौर दी स्टोरी है। ठीक है, इहदा मेनू कोई पक्का मेरे कोल ते सबूत नहीं है, लेकिन सुनते ही आ रहे हैं कि हैगा इस तरह काम होया सी। अच्छा, ये जो हीर रांझे की लव स्टोरी है? हाँ जी। वो तो मैंने भी सुनी है, बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है, तो इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ जी, सुनया तो असि भी कि बड़ी चंगी लव स्टोरी सी। बाकी वो वड्डियां ने दस्सिया कि रांझा सी जिहड़ा वो मझां चारदा सी, मुलाजम बन के आया सी, तख्त हजारे तो आया सी, चौधरी दे हवेली दे विच मुर्शिद खाना हुंदा सी। हीर रांझा उस दौर में भैंसों को चराते थे, तो आप भी इस दौर में भैंसे चराते हैं कि आपको कोई और प्रोफेशनल काम है? नहीं नहीं, मझां ही चारी दी अपना होर की प्रोफेशनल काम, पूरा बहुत चारी दी ऐ जी। उन्हां दा मुर्शिद खाना रांझे दा इत्थे वजू वजू करदे सी, कुतवी धागा पतनी ओ बुढ़ियां आंदियां सी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बोर्ड दा दरख्त लगा इत्थे बहिंदे हुंदे सी ओ। ऐ जी उन्हां दा पानी दा निजाम सी, हुण ते टुट भज गया सारा ही है, ते वेख लो तुसीं तुहाडे सामणे ही है जो भी है। ते ओ इत्थे मझां मुझां चरदियां सी उदों वी ते हुण वी मैनूं लगदा, ते अगलिया 500 साल बाद भी मैनूं लगदा कि इत्थे मझां ही चरणगियां। चले मैं आपको उनका ना एक स्पेशल कमरा चेक करवाता हूँ, तो जिसमें वो रहते थे। तो भाई बताएं कौन सा उनका स्पेशल कमरा जिसमें वो रहते थे? जी आया उन्हों दा कमरा, तो जरा ध्यान ना लो, समझ रहा समझ रहे हो ना। आओ मेरे नाल, मैं तुहानू होर एक होर कमरा विखाना। तो पहले भी मैं तुहानू कहा कि फूना दियां खखरा लगियां ने, कितें इन्हां दे मुरीद तुसीं हुंदे जी। ऐ उन्हां दा घर है जी, दूसरा भी आ भी वेख लो, तो फिर तुहानू अगले पिंड लै के चलांगा, उत्थे ही जिहड़ा हीर दा घर सी जनमन, वो घर तुहानू विखावांगा उसे हाल। अच्छा, वो जनमन घर अभी आ गए जो हीर का है? हाँ, वो आगा पिंड आ गया। अच्छा, वो पिंड अभी आ गए? हाँ, वेखो जी। अच्छा भाई जान, ये जो आपने हाथ में ये सोटी रखी हुई है जिसको आजकल सोटी बोलते हैं, ये स्पेशल है कुछ चीज़ है जो आप ये किस इस सोटी को किस तरह इस्तेमाल करते हो? ਭਾਜੀ ਆ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਨਕੋ ਆਪ ਭੈਸੋ ਕੋ ਮਾਰਤੇ ਹੋ ਇਸੇ ਕੇ ਉਨਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਿਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਮੱਝਾਂ। ਕੈਸੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਭੈਂਸ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 15 ਮੱਝਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ 8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ,
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੱਝਾਂ ਮੋੜ।